आजमेर जिला न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट मामले में अहम फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद कासिम को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, तो वहीं 1,00,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। मामला अजमेर के दरगाह थाना से जुड़ा है, जहां 7 जनवरी 2016 को तत्कालीन थानाधिकारी विक्रम नशे की तस्करी करने वाले आरोपी मोहम्मद कासिम को नशा बेचते गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहाँ लगातार सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, वहीं 1,00,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह व 37 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। गौरतलब है कि अजमेर के दरगाह इलाके में भारी मात्रा में नशे का कारोबार किया जाता है, जिसमें बच्चे भी लिप्त है। मामला जो है दरगाह थाने से जुड़ा हुआ मामला है। दरगाह थाना जो कि एक जो है चरस, गांजा, स्मैक, मादक पदार्थों की जो शरण स्थली बनी हुई है, वहाँ से घटना 7/1/2016 की है, जहाँ जो भीकाराम जो वहाँ के सीआई थे तत्कालीन, उनके द्वारा उन्हें एक सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति है जो इंदरकोट का निवासी है, वो वहाँ पर मादक पदार्थ बेचने की फिराक में है। इस पर जो है दरगाह थाने का जाफ्ता जो है मौके पर पहुँचा, तो वहाँ मालूम पड़ा कि इंदरकोट का ही एक निवासी है जिसका नाम मोहम्मद कासिम है, वो वहाँ पर गांजा बेचने की फिराक में है। जाकर उसको धर दबोचा पकड़ा तो मालूम पड़ा कि उसके पास में 5 किलो 500 ग्राम गांजा मिला। मामले के अंदर जो है अभियोजन की तरफ से न्यायालय में चालान पेश होने के पश्चात तो उसमें करीबन 7 तो गवाह कराए गए और करीबन 37 दस्तावेज पेश किए गए। तमाम तर्कों सबूत गवाह के पेश होने के पश्चात माननीय न्यायालय ने आज अंतिम रूप से फैसला दिया है। माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के श्री अनूप कुमार सक्सेना जी ने आज आदेश पारित करते हुए अभियुक्त मोहम्मद कासिम को 10 साल कठोर कारावास की सजा और उसके साथ में 1,00,000 रुपए जो है जुर्माना भी उस पर अधिरोपित किया है, और जो है जुर्माना जो है नहीं चुकाने की सूरत के अंदर अदायगी 1,00,000 रुपये और चुकाने का आदेश पारित किया, 6 महीने का कारावास की और सजा का आदेश पारित किया। ये मोहम्मद कासिम जो है दरगाह बाजार के क्षेत्रीय इंदरकोट का ही रहने वाला है, और इसके खिलाफ पूर्व में 3 और एनडीपीएस के मुकदमे हैं, और ये आपराधिक प्रवृत्ति का और मादक पदार्थों का धंधा प्रारंभ से ही करता चला रहा है।